छोले भटूरे तो बहुत बार खाए होंगे, एक बार मेरे तरीके से भी बना के और खाइए। एकदम मज़ेदार, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हो बस उसी तरीके से। कभी आपके भटूरे फटेंगे नहीं और एकदम मुलायम और फूले फूले। तो चलिए हमारे किचन कुक विद गुड मूड में। इसके लिए मैं अपने अनुसार 4 कटोरी मैदा ली हूँ, 1 कटोरी में सूजी डाली हूँ। आप कोई भी सूजी डाल सकते हैं, मोटा हो बारीक हो कोई भी डाल सकते हैं। मैं इसको अच्छे से छान लूँगी। इसमें मैं बेकिंग पाउडर डाली हूँ, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर डाली हूँ। 1 कटोरी में दही डाली हूँ और स्वाद अनुसार नमक। नमक थोड़े कम लग रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा और डाल देती हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। पहले मैं आटा लगा ली हूँ, क्योंकि आटे थोड़ी देर ये फूलेंगे और मेरे भटूरे बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। अब मैं इसमें तेल लगा के अच्छे से मलूंगी। थोड़ा और मैं तेल ले लेती हूँ, मैं 2 चम्मच इस्तेमाल की हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मल मल के आटा लगा लूँगी। अब मैं इसे ढक के कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। लगभग 1 घंटे के बाद मैं अब छोले की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं काबुली चना 2 घंटा पहले ही भिंगो दी थी, अब मैं इसे कुकर में डाल दी हूँ। उसमें मैं 8 से 10 लौंग डाल दी हूँ, दालचीनी डाल दी हूँ, तेज़पत्ता डाल दी हूँ और चाय पत्ती का गठरी बना के मैं इसमें डाल देती हूँ। इससे बहुत अच्छा कलर आता है। 7 से 8 सीटी लगाने के बाद देखिए ये अच्छे से गल गया है। अब मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, मैं सरसों का तेल डाली हूँ इसमें। मैं इसमें 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ। तेल गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें तेज़पत्ता और जीरा डाल दी हूँ। उसके बाद मैं प्याज का पेस्ट बना के डाली हूँ, 2 बड़ा साइज का प्याज था उसी का मैं पेस्ट डाली हूँ। इसे मैं अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद 2 चम्मच इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं डाल दी हूँ। देखिए मैं इसका पेस्ट बना के डाली हूँ। जीरा है, मरीच है और लाल मिर्च है। आपके पास है तो डाल सकते हैं, मैं पीस के ही डालती हूँ, थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। और इसमें हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, धनिया पाउडर 2 चम्मच डाली हूँ। काश्मीरी मिर्च डाली हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब सबको मैं अच्छे से भून लेती हूँ। ये मैं मीडियम फ्लेम कर दी हूँ गैस का, और मैं मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे मैं भूनूंगी लगभग 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद मैं 4 टमाटर का पेस्ट बना के डाल दी हूँ, इससे थोड़ा सा खटास आएगा और ग्रेवी अच्छी बनेगी। अब देखिए अच्छे से भुना गया है, इसमें तेल भी छोड़ने लगा है। अब इसमें मैं पका हुआ काबुली चना डाल दूंगी। मैं धो के बॉयल की थी इसलिए मैं पानी सहित इसमें डाल देती हूँ।
अच्छे से मैं मिला लूँगी। अब मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ। कसूरी मेथी के बिना छोले बहुत फीकी फीकी लगती है, इसको तो डालना ही चाहिए। और सबसे लास्ट में मैं गरम मसाला डालूँगी। जब ये अच्छे से 5-7 मिनट अच्छे से खौल जाए तो मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी। उसके बाद मैं धनिया पत्ता डाल दूँगी। अब मेरे छोले बनके तैयार हो गए। अब मैं लोई लगा लेती हूँ, छोटी छोटी लोई कर लेती हूँ। प्लीज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तेल भी मैं गरम करने के लिए छोड़ देती हूँ। इसे मैं अच्छे से एक साइज बोलना है, ना मोटा ना पतला, ऐसा नहीं हो कि कहीं से ही मोटा रहे कहीं से पतला, एक जैसा बेलना है। आप हाथ पे भी इसे थपथपा के बड़ा कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है, मैं उसमें भटूरे को डाल देती हूँ। देखिए फूलने लगा है। अब मैं थोड़ा सा इस पर कलछी चला देती हूँ, देखिए ये अच्छे से फूल जाएगा। देखिए कितना अच्छा फूला है। अब मैं धीरे धीरे उस पर तेल डालूँगी, ये ऊपर से भी सुनहरा हो जाएगा। ये बन गया है। अब मैं दूसरा दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा फूला है। अब मैं इसे ऊपर से तेल डालूंगी तो ये ऊपर से भी सुनहरा हो जाएगा। मैं ऊपर नीचे करके इसे मैं अच्छे से सेक लेती हूँ। ये अच्छे से सिका गया है। अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब मैं प्लेट लगा लूँगी। मैं छोले निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा मैं उसमें प्याज डाल देती हूँ, ऊपर से हरा धनिया। थोड़ा सा मैं प्याज काट के रख देती हूँ। आइए आप लोग भी खा लीजिए एकदम मज़ेदार वाला छोले और भटूरे। प्लीज़ आप लोग को यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।